हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसी कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो वैसे देखने और इस्तेमाल करने में हमारे लिए काफी कॉमन है, लेकिन हमारे आसपास एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ कॉमन चीजों के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक अलग नजरिए से, यानी कि एक माइक्रोस्कोपिक नजरिए से। तो आइए देखते हैं वो क्या चीजें हैं। क्या आप जानते हैं कि पानी की एक बूंद में कितने मिनरल्स और कितने जीवाणु होते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे पानी की एक बूंद का यह नजारा। हमारे घरों में जिस तरह की धूल मिट्टी रहती है, उस धूल मिट्टी को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए तो वो कुछ इस तरह दिखती है। उस धूल मिट्टी के अंदर कितने जीवाणु और कितने कीटाणु होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, वो कुछ इस तरह दिखती है। वेलक्रो तो आप सबको पता ही होगा। वेलक्रो शूज, बैग्स और कुछ छोटे पर्स या पाउचेस को बंद करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उसे वेलक्रो कहते हैं, और वो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरह दिखती है। सिक्के यानी कि कॉइन्स, नए हों या पुराने, देखने में हमें काफी प्लेन दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हीं को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए तो वो कुछ इस तरह दिखते हैं। एक कॉइन की पूरी डिटेल इस तरह दिख रही है, जैसे बीचेस पर पाई जाने वाली गीली सैंड या लो टाइड पर दिखने वाली सैंड। ये देखने में किसी वैली या पहाड़ों की तरह दिख रहा है, लेकिन असल में ये पहाड़ी या कोई भी वैली नहीं है। ये स्टील के अंदर एक माइक्रो डेंट है। सिग्नेचर करने या कुछ भी लिखने के लिए जो बॉल पॉइंट पेन हम यूज करते हैं, वो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरह दिखता है। लेफ्ट में जो है वो नया बॉल पेन है और राइट में जो है वो एक यूज्ड बॉल पेन है। दोनों में कितना फर्क है वो हमें दिख सकता है। एक मैचस्टिक को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो कुछ इस तरह दिखती है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमारी नजरें हमारे स्मार्टफोन्स पर जाती हैं, और उसी स्मार्टफोन की स्क्रीन को माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखा जाए तो उसके पिक्सेल्स हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे सकते हैं। एक पेंसिल की टिप माइक्रोस्कोप के नीचे किस तरह दिखाई देती है? पेंसिल की इस टिप को अगर हम नॉर्मली देखें तो वो हमें बहुत ही स्मूथ दिखाई देती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी एक एक डिटेल हमें दिखाई दे सकती है। बोनस के लिए एक रेड बॉल पॉइंट पेन। पेन और पेंसिल के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी यानी कि हम इंसानों की बोन्स किस तरह दिखाई देती हैं। ये एक अडल्ट व्यक्ति की बोन है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक यंग बोन माइक्रोस्कोप के नीचे किस तरह दिखाई देती है। हमारी रगों में दौड़ते हुए खून की अगर किसी तरह क्लॉटिंग हो जाती है तो वो कुछ इस तरह दिखाई देती है। और ये माइक्रोस्कोप के नीचे एक कैंसर सेल है।
बहुत से लोग इस चीज का नहाने के बाद इस्तेमाल करते हैं या कान में जब खुजली होती है तब इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ये एक ईयरबड है जिस पर वैक्स लगा हुआ है। तब जरा हम शुगर देख लेते हैं, जो हमारे खाने पकवानों और कॉफी चाय जैसी चीजों में मिठास डालती है, वो माइक्रोस्कोप के नीचे किस तरह दिखती है। डायमंड्स की तरह दिख जरूर रहे हैं, लेकिन ये शुगर क्रिस्टल्स हैं। और इस इमेज में सफेद वाला रिफाइंड शुगर क्रिस्टल है और उसके पास में एक रॉ शुगर क्रिस्टल है। नमक के बिना हमारा खाना फीका पड़ जाता है, लेकिन उसी नमक और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो वो कुछ इस तरह दिखता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ चींटियों के बारे में बताया था, और कुछ कॉमन चींटियों को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो वो बिल्कुल किसी एलियन या किसी साईफाई मूवी के मॉन्स्टर की तरह दिखती हैं। और इतनी छोटी सी चींटी का सिर्फ एक पैर माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ इस तरह दिखता है। चींटियों के बाद अब हम देखते हैं मधुमक्खियां माइक्रोस्कोप के नीचे किस तरह दिखती हैं। ये भी बिल्कुल किसी डरावने मॉन्स्टर की तरह दिखती हैं। उसी के साथ मधुमक्खी का स्टिंगर और हाइपोडर्मिक नीडल दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए तो दोनों एक समान दिखती हैं। मलेरिया और डेंगू फैलाने वाले मच्छर को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो कुछ इस तरह दिखते हैं। और ये मच्छर का सिर्फ एक पैर है। पानी में पाए जाने वाली छोटी वाटर फ्ली यानी कि डैफनिया माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ इस तरह दिखाई देता है। इंस्टेंट कॉफी और फिल्टर कॉफी दोनों को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो वो कुछ इस तरह दिखती हैं। ये एक्सप्रेसो कॉफी का एक क्रिस्टल है जो कि दिख गोल्डन रहा है और देखने में बहुत मैस्मराइजिंग है। और ये इंस्टेंट कॉफी का सिर्फ एक ग्रैन्यूल है जो कि मार्स पर पाए जाने वाले पत्थर की तरह दिख रहा है। ये चीज देखने में ईयर वैक्स या नाक के बुगर की तरह तो दिख रही है, लेकिन ये है टबैको। एंड बाय द वे, टबैको कंसम्पशन इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन लीड टू कैंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर जरूर क्लिक करें। गुड बाय।